नया भारत तेजी से बन रहा है डिजिटल भारत और जनगणना पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल भारत को समर्पित है भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की चार विशेष डिजिटल पहलें। डिजिटल जनगणना की पहली पहल है मानचित्रण। देश की सटीक जनगणना के लिए सटीक स्थानों का पता चलना जरूरी है ताकि दोहराव और चूक ना हो और कोई जनगणना से छूट ना जाए। इसलिए मोबाइल मैपिंग एप्लीकेशन को इस तरह से विकसित किया गया है कि इसका उपयोग करके डिजिटली हर ब्लॉक में टर्मिनल पॉइंट्स बनाकर उनकी सीमाएं जियो रेफरेंसिंग से तय की जा सकेंगी। दूसरी डिजिटल पहल है इस बार की डिजिटल जनगणना। इसलिए देश का अमूल्य समय बचाने के लिए इस बार डेटा कागज पर नहीं बल्कि जनगणना कर्मियों द्वारा सीधे मोबाइल ऐप से एकत्रित व जमा किया जाएगा। जनगणना कार्य के साथ साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा देशवासियों के पास स्वगणना का भी विकल्प होगा जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अपडेशन भी शामिल है। इससे समय बचेगा, लागत में कमी आएगी और जनहित हेतु योजनाओं के निर्माण के लिए डेटा शीघ्र प्राप्त होगा। CMMS पोर्टल को इस तरह से बनाया गया है कि जनगणना से संबंधित सभी तरह के कार्य, चाहे वह प्रशिक्षण हो, सामग्रियों का सही जगह पर आवंटन या DBT के माध्यम से जनगणना अधिकारियों व कर्मियों के बैंक खातों में सभी प्रकार के मानदेय का भुगतान हो, सब कुछ एक ही जगह से किया जा सके। जनगणना के साथ ही इस बार जिला जनगणना पुस्तिका DCHB से संबंधित जानकारियां एकत्रित करने के लिए भी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल को विकसित किया गया है। CMMS स्वगणना पोर्टल और ऐप के उपयोग से जो जानकारियां एकत्रित होंगी उन्हें नवीन तकनीक से बनी आधुनिक वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस बार की जनगणना में लगभग 30 लाख जनगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। उनके उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए डिजिटल लर्निंग साधन जैसे डिजिटल मैनुअल, ई लर्निंग वीडियो और एनिमेटेड वीडियो भी बनाए गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरी पहल की तरफ जिसके द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली में सुधार हेतु आधुनिकीकरण प्रस्तावित है जिसमें एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश की सभी पंजीकरण इकाइयों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन के साथ साथ जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ ही साथ बच्चे के नाम को जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ा जा सकेगा और त्रुटि की स्थिति में सुधार भी घर बैठे ऑनलाइन कराया जा सकेगा। सॉफ्टवेयर द्वारा सभी मृत्यु की घटनाओं का अनिवार्य चिकित्सीय प्रमाणीकरण। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीकरण डेटा रियल टाइम पर मोबाइल तथा पोर्टल से प्राप्त हो पाएगा जिसे जरूरत के हिसाब से विभिन्न विभागों के साथ साझा किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से जनता को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ तत्काल मिलेगा तथा अन्य विभागों का डेटाबेस भी स्वतः अपडेट हो पाएगा। अब बढ़ते हैं चौथी पहल प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली SRS की ओर। डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलने के कारण SRS की विकसित प्रणाली द्वारा देश के जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मृत्यु के कारण की सांख्यिकी रिपोर्ट आदि के जनसांख्यिक सर्वेक्षण में समयानुसार अपडेशन व सटीकता प्राप्त होगी। मोबाइल ऐप आधारित डेटा एकत्रीकरण प्रक्रिया के कारण मुद्रण और स्कैनिंग की जरूरत नहीं होगी और डेटा गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार होगा। तो इस प्रकार भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा डिजिटल भारत को मिल रही है एक नई दिशा
और आसान बन रहा है देश का कल। भारत की जनगणना, जनगणना से जन कल्याण।